नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय भारत की सेना को मजबूत करने में जुटा है, जिसके लिए सेना को हर वो सुविधा मुहैया कराई जा रही है, जिससे सेना युद्ध जैसे हालात में दुश्मनों को कम समय रहते सबक सिखा सके। जिसके लिए सेना को आधुनिक हथियारों की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि चीन के पास एक से एक हथियार है, जिसके जवाब में भारतीय सेना को भी मजबूत करना जरूरी है। ऐसे में रक्षा मंत्रालय ने AK-203 असॉल्ट राइफल के करीब 5,000 करोड़ की डील को अंतिम मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने उस समय इस डील को फाइनल किया है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आने वाले हैं। खास बात यह है कि लंबी लागत के साथ ये बंदूकें भारत में ही निर्मित की जाएंगी, इस वजह से इसे खास डील माना जा रहा है। इस डील के जरिए 7 लाख से अधिक गन का निर्माण किया जाएगा। अहम बात यह है कि सभी बंदूकें भारत में अमेठी में ही बनाई जाएंगी। एक बार बंदूकों का निर्माण होने के बाद 32 महीने बाद ये बंदूकें सेना को दी जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि क्या है AK-203 असॉल्ट राइफल की खासियत। रूस की AK-203 राइफल को भारत की इंसास राइफल से रिप्लेस किया जा रहा है। दरअसल इसकी वजह यह है कि इंसास में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, जिसके चलते सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए रूस के साथ ये डील की। AK-203 इंसास के मामले में काफ़ी हल्की, छोटी और आधुनिक है। इंसास का मैगजीन लगाए बिना वजन 4.15 किलो है, जबकि AK-203 का बिना मैगजीन वजन 3.8 किलो है। इंसास की लेंथ 960 mm है, जबकि AK-203 की 705 mm है, जिसमें फोल्डिंग स्टॉक भी शामिल है। इसलिए ये हल्की, छोटी और खतरनाक बंदूक है। AK-203 में 7.62x39mm की गोली का इस्तेमाल होता है, जबकि इंसास में 5.56x45mm की गोली इस्तेमाल की जाती है। यानी कैलिबर के मामले में भी ये गन काफ़ी खतरनाक है। AK-203 की रेंज 800 मीटर तक है और मैगजीन 30 राउंड तक है। इसके अलावा AK-203 राइफल को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इंसास में बुलेट पर मिनट की स्पीड ज़्यादा थी। AK-203 में 600 बुलेट प्रति मिनट के हिसाब से फायर किया जा सकता है। वैसे AK राइफल्स की सीरीज़ में बेसिक फायरिंग मैकेनिज्म और इंटरनल्स एक जैसे ही रहे हैं। AK-203 में टॉप कवर हिंज को कवर करने के लिए फ्रंट ट्रनियन और रियर साइट बेस को रीडिज़ाइन किया गया है। लॉकिंग मैकेनिज्म को टॉप पर रखा गया है। AK-203 में साइड फोल्डिंग 4 पोजीशंस वाला टेलीस्कोपिंग शोल्डर स्टॉक है। इस स्टॉक को 40 mm अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।